एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं मॉक टेस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। ये 40 मार्क का रहेगा और इसमें दो सेक्शंस होंगी, कंप्यूटर और जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएड के। तो ये बिल्कुल जितना भी आपका सिलेबस है बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है। आपने कोशिश करनी है आप इसमें 40 में से 35+ स्कोर लेके आओ। अगर आप 35+ स्कोर इसमें कर रहे हो तो आपका एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। चलते हैं, सबसे पहली सेक्शन जो है की है कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द कमांड Ctrl+N इज यूज टू। Ctrl+N किसके लिए यूज होती है? सेव, ओपन न्यू या क्लोज डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड अपडेट्स? फ्लैश मेमोरी, रोम, रैम या ड्रैम। इसका राइट आंसर रहेगा ROM, जिसकी फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी। बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्क्वायर। ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज SQL? SQL क्या होती है? ए बी सी या डी, राइट आंसर इसका क्या रहेगा? एक बार अच्छे से पढ़ो और इसका जवाब दो। इसका राइट आंसर रहेगा ए। SQL इज ए क्वेरी लैंग्वेज दैट इज यूज टू इंटरेक्ट विद रिलेशनल डाटाबेसिस। ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI की फुल फॉर्म क्या है? ए बी सी या डी, राइट आंसर इसका रहेगा डी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश इज यूज टू ट्रांसफर द डाटा डायरेक्टली टू मेन मेमोरी विदाउट यूजिंग CPU। ए का है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर डिवाइस ड्राइवर इनपुट आउटपुट इंटरफेस या DMA कंट्रोलर। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, DMA कंट्रोलर बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू ए फॉर्म दैट इज इंटेलिजिबल टू द यूजर? स्टोरेज डिवाइसेस, कीबोर्ड्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। राइट आंसर इसका रहेगा डी, आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, चैन प्रिंटर इज ए डैश प्रिंटर। चैन प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? नॉन इंपैक्ट, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स या लाइन प्रिंटर। राइट आंसर इसका रहेगा डी, लाइन प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, व्हेन यू डिलीट ए फाइल इन योर कंप्यूटर वेयर डज इट गो? जब भी आप कंप्यूटर में फाइल डिलीट करते हो वो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन, हार्ड डिस्क, टास्क बार या इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इसका रहेगा ए, रिसाइकल बिन। क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डज द जॉब ऑफ मर्जिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम टू फाइल्स इनटू वन? सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर या डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर रहेगा यूटिलिटी प्रोग्राम। बी इसका राइट आंसर रहेगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, अ कंप्यूटर इज ए डैश इज ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट प्रोपोगेट्स बाय इंसर्टिंग अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ एंड बिकमिंग पार्ट ऑफ अनदर प्रोग्राम। और ये प्रीवियसली एक एग्जाम में पूछा गया, इसका राइट आंसर वायरस, स्पाइवेयर, एप्लीकेशन या प्रोग्राम। तो राइट आंसर रहेगा ए, वायरस। क्वेश्चन नंबर 12, इन IT Act 2000 विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म? 66A, 66B, 66F या 45F? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 66F इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल? ईमेल को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? SMTP, HTTP, FTP या POP? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, POP। अब इन चारों की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में देखते हैं, सबसे पहले कौन दे पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज टू एड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल? A, B, C या D? तो इसका राइट आंसर अगर आपने दिया है बी, पेपर क्लिप आइकन, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन डैश व्यूज ऑफ विंडो एक्सप्लोरर वन कैन सी मिनिएचर इमेजेस ऑफ ग्राफिक एंड HTML फाइल्स एंड प्रीव्यूज ऑफ फाइल कंटेंट। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा डी, थंबनेल्स। क्वेश्चन नंबर 16, दिस विंडोज साउंड फाइल हैज द एक्सटेंशन? साउंड फाइल विंडोज की जो है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? उसकी एक्सटेंशन होती है ए, .WAV। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक इन MS Word? A, B, C या D? राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा सी, Shift+Enter इसका राइट आंसर रहने वाला है। लास्ट क्वेश्चन इसका है, ए हाफ बाइट इज कॉल्ड? हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? बाइट, निबल, बिट या वर्ड साइज? इसको कहा जाता है, राइट आंसर इसका रहेगा बी। SMTP इज एन एक्रोनियम। SMTP की फुल फॉर्म क्या है? वह सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सी इसका राइट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप? इंटीग्रेटेड चिप किसने बनाई थी? राइट आंसर क्या रहेगा?
राइट आंसर रहेगा बी, JS स्किल भी। तो हमारा कंप्यूटर का ये पहला मॉक टेस्ट बहुत ही जल्दी हमने खत्म कर लिया है। 20 क्वेश्चन थे इसमें, और इसमें अगर आपने 18+ स्कोर किया तो अच्छा स्कोर है आपका। अब चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट जो कि है GK विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। इसी तरह से हम, क्योंकि अब आपका पेपर बहुत ही पास है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका, और हम जल्दी से जल्दी पॉइंट टू पॉइंट मॉक टेस्ट को खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन करंट अफेयर्स है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, राइट आंसर रहेगा बी, जयपुर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू, कैबिनेट डिक्लेयर्ड विच डे एज नेशनल स्पेस डे इन इंडिया। कैबिनेट ने कौन से दिन को नेशनल स्पेस डे घोषित किया है इंडिया में, तो वो भी राइट आंसर रहेगा इसका बी, अगस्त 23। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द अस्त्रा। अस्त्रा जो मिसाइल है ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने बनाई है, इसरो, DRDO, HAL या BHEL। तो इसका राइट आंसर भी रहेगा बी, DRDO। बहुत ही अच्छा। तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो, टाइम बचाना है आपका, एग्जाम बहुत ही पास है तो इसलिए जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, दी माही बजाज सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी। माही बजाज सागर डैम जो है कौन सी स्टेट या यूटी में जो है, इसका राइट आंसर रहेगा ए, राजस्थान। अगर आपने दिया तो बिल्कुल सही। एशिया लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कौन सी स्टेट या यूटी में है इंडिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन, तो वो है ए, जम्मू एंड कश्मीर में है वो। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, दी इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर ए बाउंड्री विद विच कंट्री। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या चिपा चाइना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर सेवन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट टू चेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट कानपुर सेशन ऑफ 1925। ये जो मॉक टेस्ट है पूरे आपको जो सिलेबस में है क्वेश्चन, उसी तरह से अलग अलग टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन लिया गया है, तो हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए ये बहुत रहेगा। एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना, स्किप मत करना वीडियो को। और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर एट, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कॉम्बिटोर। तो 1857 के रिवॉल्ट कॉम्बिटोर से किसने लेड किया था, तो वो किया था बी, सी, मूल बगल स्वामी। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। मंगल पांडे वाज सिपाही ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेंट्री ऑफ बंगाल। बंगाल की कौन सी इन्फेंट्री में काम करते थे मंगल पांडे, राइट आंसर रहेगा बी, 34th नेटिव इन्फेंट्री। हु इज नोन एज पंजाब केसरी, किसको कहा जाता है, ए, बी, सी या डी। राइट आंसर अगर आपने इसका कर दिया है ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय, तो बिल्कुल सही, लाला लाजपत राय को कहा जाता था पंजाब केसरी। आदि ग्रंथ जो है ये कौन से सिख गुरु ने बनाया था, गुरु अमरदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु रामदास जी या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर इसका रहेगा गुरु अर्जुन देव जी, जो कि सिक्स के फिफ्थ गुरु थे। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा गुरु अर्जुन देव जी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, इन विच स्टेट इज दी हवा महल लोकेटेड। हवा महल जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, गुजरात, J&K, महाराष्ट्र, राजस्थान। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, विच आर द फॉलोइंग इंडिकेट रजिस्टर्ड नेगेटिव ग्रोथ। कौन से समय के दौरान नेगेटिव ग्रोथ देखी गई थी इंडिया में, तो ये क्वेश्चन आसान है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का कितना एरिया है अप्रॉक्सीमेट इन मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर, तो वो है ये 3.28 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज एट द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। कौन सी यूटी की सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो थी, तो वो है बी, पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर नहीं है इनमें से, ऑप्शन नंबर सी, सांगपो इसका राइट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट पार्ट ऑफ फेमस पंचप्रयाग। कौन सी एक ऐसी रिवर है जो पंचप्रयाग की पार्ट नहीं है, अलकनंदा, नंदाकिनी, मंदाकिनी या गोदावरी। इसका राइट आंसर रहेगा डी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे, हु इंट्रोड्यूस कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर। कश्मीर में कारपेट इंडस्ट्री किसने बनाई थी, जैनुल आबदीन, अकबर, सुल्तान सिकंदर या औरंगजेब आलमगीर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, जैनुल आबदीन। क्वेश्चन नंबर 19, विच लेक इज नोन एज जैवलिन द क्राउन ऑफ कश्मीर। मानसर, निगिन, गंगाबल, डल। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत बार पूछा गया जी, बहुत बार, ड्यूरिंग विच कारकोटा डायनेस्टी रूलर चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सैंग विजिटेड। कौन से रूलर के दौरान ह्यून सैंग ने विजिट किया था, तो राइट आंसर रहेगा ए, दुर्लभवर्धना, कोलकाता डायनेस्टी के फाउंडर थे ये। तो हमारा ये भी खत्म हुआ, 40 मार्क्स का ये टोटल था। अब देखते हैं कि आपने इसमें 35+ स्कोर किया है नहीं,
तो आप जितने ही वीडियो देखोगे प्लीज आप कमेंट तो नहीं करोगे, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर आपने कितना स्कोर किया है प्लीज कमेंट कर देना, तो 35+ स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और बाकी वाले अच्छे से रिवाइज करो, पेपर पास है बिल्कुल अब, तो अच्छे से फ्री माइंड होकर जाके पेपर दो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। अगर नेक्स्ट अगर आपको कुछ भी चाहिए कोई नोट्स वगैरह, तो आप मेरे मेरे नंबर पे आप क्या कर देना, मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको बिल्कुल फ्री में, जो पहले पेड नोट्स थे वो अभी मैं फ्री में दे दूंगा। पर आपको सिर्फ ये करना है कि उसको चैनल को सब्सक्राइब करना है और 3000 के पास लेके जाना है जल्दी से जल्दी इसी महीने में, अगस्त में। यह है तो बिल्कुल नामुमकिन, पर अगर आप इसको लेके जाओगे तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में PDF देना शुरू कर दूंगा, जो मैं अभी तक पेड दे रहा था। तो आप ले जा सकते हो, बाकी अगर आपको ऐसे भी कुछ चाहिए तो आप बता देना, आपको वो मिल जाएगा। बाय बाय टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।